कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद मनीष तिवारी ने दिल्ली चुनावों को लेकर कहा कि दिल्ली में भाजपा की एक बहुत बड़ी हार होने वाली है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सांप्रदायिक ताकतें और जिन्होंने दिल्ली के चुनावों को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनको दिल्ली के लोग बुरी तरह से पराजित करेंगे। वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष ताकतों की जो प्रगतिशील ताकतें हैं और जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, वह ही चुनाव जीतेंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद मनीष तिवारी ने दिल्ली चुनावों को लेकर कहा कि दिल्ली में भाजपा की एक बहुत बड़ी हार होने वाली है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सांप्रदायिक ताकतें और जिन्होंने दिल्ली के चुनावों को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनको दिल्ली के लोग बुरी तरह से पराजित करेंगे। वहां पर धर्मनिरपेक्ष ताकतों की जो प्रगतिशील ताकतें हैं, राष्ट्रवादी ताकतें हैं, वे चुनाव जीतेंगी। मनीष तिवारी ने हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी से मंदिर में पूजा अर्चना की और मां का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने पंजाब और हिमाचल के श्रद्धालुओं के साथ धोखा किया है, छल कपट किया है। इसका उदाहरण ये है कि उन्होंने आनंदपुर साहिब बंगा तक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की घोषणा की, लेकिन बाद में भी अपनी घोषणा से मुकर गए। जब हम नितिन गडकरी से मिले तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सड़क की घोषणा की है, लेकिन फिलहाल इसे बनाने का कोई इरादा नहीं है, ये केवल भाजपा का चुनावी स्टंट रहा। मनीष तिवारी ने कहा कि फिर उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात की और कैप्टन साहब ने इसके लिए पैसा मंजूर किया। आनंदपुर से लेकर कानपुर खुई तक और श्री नैना देवी तक सड़क का टेंडर हो चुका है, जल्द ही काम शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि माता जी के श्रद्धालुओं को और पंजाब के आनंदपुर साहब आने वाले श्रद्धालुओं को सड़क सुविधा मिले, इसके लिए वे कृत संकल्प हैं और इस कार्य को करवाने के लिए मैं पुरजोर प्रयास करेंगे। इस मौके पर मनीष तिवारी को मंदिर न्यास की तरफ से मंदिर न्यास के अध्यक्ष रामकृष्ण शर्मा ने माता की चुनरी और फोटो भेंट की और साथ ही प्रसाद दिया। देखिए, दिल्ली में एक बात बिल्कुल साफ है कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं और जिन्होंने दिल्ली के चुनाव को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनको दिल्ली के लोग पराजित करेंगे। बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का की हार होने जा रही है दिल्ली में। वहाँ पे जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, जो प्रगतिशील ताकतें हैं, जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, वो चुनाव जीतेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले श्री नितिन गडकरी जी ने पंजाब के लोगों के साथ, श्री अनंतपुर साहब लोग के लोगों के साथ, जो नैना देवी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी छल कपट की थी। उन्होंने नींव पत्थर रख दिया कि इस सड़क को चार मार्गी किया जाएगा। चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और मैं जाकर उनसे मिले तो उन्होंने कहा, साफ तौर पे कह दिया कि ये तो चुनावी स्टंट था, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमने ऐसे 90,000 किलोमीटर सड़क पूरे भारत में नेशनल हाईवे इन प्रिंसिपल घोषित की थी चुनाव से पहले, जिसको पूरा करने का हमारा कोई अंदेशा नहीं है। उसके बाद मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से दरख्वास्त की और उन्होंने पैसा मंजूर किया है। श्री अनंतपुर साहब से लेकर कानपुर खुई तक नई सड़क बन रही है। श्री अनंतपुर साहब से लेकर नैना देवी तक भी जो सड़क है उसका टेंडर लग चुका है और बाकी जो सड़क है कानपुर खुई से लेकर बंगा तक, उसको भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए टेंडर लग चुके हैं। तो इसलिए काम चल रहा है। ये बात ज़रूर है कि ये चार मार्गी नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार बिल्कुल पूरी तरह से पल्ला झाड़ बैठी है, पर हाँ, हमारी ये पूरी कोशिश है कि ये सड़क इस लायक हो जाए कि लोगों को इस पे चलने में तकलीफ ना। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।